सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। जयकार श्री बलिदान बोल साचे दरबार की जय। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वक्रतुंड मयूर कुक्कुट महाशक्ति धरे नगे
गोपसंस्थाने नारायणे नमोऽस्तुते शङ्खचक्रगदाशालङ्कृत परमायुध प्रसेदवैष्णवेरूप नारायणे नमोऽस्तुते गृहेतोग्रमहचक्रदृष्टोधृतवसुन्धरे वराहरूपनेश्वर नारायणे नमोऽस्तुते नृसिंहरूपेणोग्रणहन्तं दत्तकृतोद्यमे त्रैलोक्यत्रानसहित नारायणे नमोऽस्तुते कलेकने महावज्रसहस्रनयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमोऽस्तुते शिवज्योते स्वरूपेण हतदेत्रमहाबले घोररूपे महालाभे नारायणे नमोऽस्तुते दष्टाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डवदने नारायणे नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्धे शद्धे पुष्टिसुधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्धे नारायणे नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती भरे भूतिबाब्धभिधामसे नियते त्वं प्रसीदेश नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेश सर्वशक्ति समन्विते भयव्यवसायिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सम्यव लोचनं त्रयभूषितं पातु नः सर्ववेद्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रमशेषासुरशोधनं त्रिशूलं पातु नो भेदर्वद्रकाले नमोऽस्तुते हिरस्य दत्ततेजांसि स्वणेनाभूयनाशयत् सखण्डा पातु नो देवे पाद्येभ्यो नाशुदानिव असुरात्रिवसामङ्गचर्चितस्य करज्जलः शुभाय खड्गभवतु चण्डिकेतान्नताभयम् रोगानशेषान्नवः सुदुष्ट हृष्टानुकामान् सकलानमेष्टम् त्वामाश्रितानान्न विपन्नरानाम् त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयाते एतत्कृतव्यात्कलनाश्रयाध्य धर्मादृशां देवमहासुराणाम् रूपैरनेकैर्भवधात्मार्गम् कृत्वाम्बिकेतात्रकरात्मिकन्या विद्यासुशास्त्रेषु विवेकधिपे स्वादेषु वाक्येषु जगत्वधन्या ममात्रगतेति महान्धकारे बिभ्रामयत्ते तदेव विश्वम् रक्षासि यत्राग्रविशासनाघ यत्र रयोदास्य बलानि यत्र दावानलो यत्र दधाद्यमध्ये तत्र सुदातं परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरितं परिपासि विश्वम् विश्वात्मकाधारयसि त्रिविश्वम् विश्वेशवन्द्या भवते भवन्ते विश्वाश्रयाये त्रैभक्तिनम्रः देवे प्रसीदपरिपालयनोरभेद नित्यं यथा सर्वदा तदुनैव सद्यः पापानि सर्वयजतां प्रथमान्नयाश उत्पादपाकजयिताश्च महोपसर्गम् प्रणतानां प्रसीदत्वं देवे विश्वाधिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामिते लोकानां वरदा भव देव्योवाच वरदाहं सर्गणां वरं जन्मनशेषत तमृणद्धं प्रयच्छामि जगतामवकारकम् देव ओचः सर्वाबाधाप्रशमनं त्रैलोक्यस्याखिलेश्वरे एवमेव द्वयाकार्यम् अस्मद्वैरिविना
ప్రకాశన దేభ్యోవాచ దేవస్వయందరే ప్రాప్తే అష్టావింశతి మే యుగే శుంభాభిశుంభేవాల్పే మహాసర నందగోపగృహ జాతా యశోదా గర్భసంభవ తదశే శ్యామే వింధ్యాచరణివాసనే పునరభ్యతిరేణ పృథివీతలే सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का मां भगवती के दरबार में अभिनंदन आप सबका हार्दिक स्वागत इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिव्य गुहा के अंदर मां भगवती की पूजा मां की अर्चना की जा रही है ऐसी मान्यता है कि जब मां भगवती की पूजा होती है पूजा के समय समस्त देवतागण भी गर्भ मां भगवती स्तुति करते हैं आरती की इस पवित्र वेला में जो भी भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से मां भगवती का ध्यान करते हैं मां का नाम स्मरण करते हैं मां भगवती की स्तुति करते हैं मां भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थना को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती है आप सभी भक्तजन मां भगवती के दरबार में विराजमान हैं आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से मां भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए मां से प्रार्थना करें मां भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों के प्रार्थना को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें आपकी मनोकामना को आपके मनोरथों को पूर्ण करें ये आरती की वेला है बड़ी उत्तम वेला है इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना अर्चना पुण्य कर्म मां भगवती की स्तुति इसका अक्षय फल होते हैं विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए आपके सुख समृद्धि के लिए आपका बुद्धि के लिए आपकी उन्नति के लिए आपके दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति की जा रही है यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही सुख शांति सुख समृद्धि देने वाले ही धन धन की वृद्धि करने वाले ही जो भी भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति करते हैं मां की कृपा से मां के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है वह भक्तजन वह साधक जन मां के आशीर्वाद से जहां जहां जाते हैं
वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती ही, धन लाभ होते ही उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती ही, वह आरोग्यता को प्राप्त होते ही, दीर्घायु को प्राप्त होते ही, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मण कुल कर्म करते हुए इस मां जगजननी मां जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान मां के चरण में ले जाइए और भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से इन स्तोत्रों द्वारा मां भगवती की स्तुति कीजिए। मां भगवती आप शरणार्थ भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। ध्यान ॐ नित्योद्धः समप्रभावृगपते स्कन्धस्य तावेशनः कन्याभिः करभलठदवलस नस्ताभिरासेभिता हस्ते शक्रगदासिभिदवसुख शापङ्गनन्दने बिभ्रानमलात्मिकां शशिधरां दुर्गान्धनेत्रां भजे ॐ दिभ्यः च निर्वृष्टव समानितं दशदयः समाहितः तस्याहं सकलां वादां नाशयश्रामधंस्याम् मधुकेतवनाशब्दमहिषासुरघातनम् कीर्तयश्वन्द्रियतद्वद्वदं शुम्भनिशुम्भयोः अष्टम्यां चर्गसदश नवम्यां चैकचेतसः स्वशन्ति च वये भक्तामवमहात्ममुत्तमम् नातेषां दुष्कृतङ्गिर्गदुष्कृतस्थानजापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न च वैश्वविभाजनम् शत्रुदानाभयं तस्य दर्शितवानराजितः नासंस्कारदयोगाङ्गराशस्यले तस्मान्मले तन्महात्वं पठेतभ्यं समाहितैः स्वगभ्यं च सदा भक्त्या परं स्वशरणायितात् उपसर्गानशेषासो महामारी समभवान् तथा देवपादमहाज्वं शमयन् मम यत्र तत्पठ्यते सम्यक् निद्रमायतले मम सदानन्दले मोक्षामि सान्निध्यं तत्र मे स्थितम् मलिप्रधाने भूयायाम् अग्निकार्ये महोत्सवे सर्वमवे तच्चरितम् अच्चार्यं साध्यमेव च जानता जानता भावे मले भोजां ददा कृतम् प्रदेशिष्यामहमृत्यामन्यहवं ददा कृतम् शरकाले महापूजा क्रियते जातमाधिके तत्सर्वमेतन्महात्मं शुद्धा भक्ति समन्वितः सर्वाबाधाभिर्मुक्ता धनधान्यादान्वितः मनुष्यमत्प्रसादेन भविष्यति न संशयः श्रुतामवेतन्महात्मं तथा चोपत्यः शुभाः पराक्रमं च यद्धेशो जायते निर्भयामुमान् हरिभवः सङ्ख्यान्ते कल्याणं चापवर्धते नर्धते च कुलपुंसामहात्मशृणुताम् शान्तिकर्मणि सर्वत्र तथा जस्वप्नदर्शने ग्रहपीडाशुचग्रसमहात्मं शृणुयामः उपसर्गः समशान्ते ग्रहपीडाशुधारुणाः दुःस्वप्नं च निवेदं सुस्वप्नमुपजायते बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम् सङ्घातभेदशनीनां मैत्रीकरणमुत्तमम् दुर्भित्रानां शेषाणां बलहानिकरं परम् रक्षाभूतविशाचानां पठनादेवनाशनम् सर्वमवेदं महात्मं मम सन्निधिकारकम् पशुपुष्पार्घदुर्वैशागन्धदेवतसोत्तमे प्राणाभोजनेरहोलयप्रोक्षणेयधानिषाम् अन्ये च विधर्भोजयम् प्रधानेव सरेणय प्रीतिर्मे क्रियते सासुर्जाकृतौचरितेषद श्रुतमहलति पापानि तथा राज्यम् प्रयश्यते रक्षाम् करोति भोजव्यजर्मणाम् चेतनामः
अरण्ये प्राप्तरेवापि धावग्निपरिवारितः दस्यभिर्वामितः शून्ये गृहीतो वा विषत्वभिः सिंहलक्षानुजातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञक्रुद्धेन जाजप्तो बद्धो बन्धगतोऽभिव आघूर्णितो वा वातेन सितः भूते महानवे पदसो चाभिजस्रेषु सङ्ग्रामे वृषधारुणे सर्वाबाधासु घोरासु वेदनाभर्तितोऽभिव सवर्णमयदोषदलोमञ्जयदसङ्कटात् मात्रभावासङ्गाधादस्य भवैरिणस्तत दूरादेव पलायन्ते स्वरजश्चयितमव ऋषिरभाग इत्युक्ता स भगवते चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानाम् तत्रैवान्तरधीयत तेऽपि देवानिरातङ्गः स्वाधिकाराण्यथा पुरा यज्ञभागभुजः सर्वे चक्रविनिहतारयः दैत्याश्च देव्या नेते युम्भे देवैभायुधे यगद्विद्धम् समेतस्मै महोग्रे दुरविक्रमे निशुम्भे च महावीर्य शेषः पातालमाययोः एवम् भगवते देवे सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूयङ्कुरुते भूपयगतः परिपालनम् तयदम्भयते विश्वम् देव विश्वम् प्रदोयते सा जातिता च विज्ञानम् दुष्टानित्यम् प्रयश्यते व्याप्तम् दयकम् सकलम् ब्रह्माणम् वणयेश्वर महाकाल्या महाकाले महामारे सहोपय सैवकाले महामारे सेवसृष्टे भवतु य सुरम् करोति भूतानाम् सेवकाले सनातने भवकाले जनाम् सेवा लक्ष्मे वृद्धि प्रदागृहे सेवाभावे तथा लक्ष्मे विनाशायापजायते सुरा सम्भूषिता पुष्पे जौवगन्धादिवे सदा दुरादिवित्तम् पुत्राश्च मतिम् धर्मे गतिम् शुभा अत्सिद्धपुञ्जिका स्तोत्र शिवावाच श्रीमदेवे प्रवक्ष्यामि पुञ्जिका स्तोत्रमत्तम येन मन्त्रप्रभावेन चण्डे जापः शुभ भवेत् न कौचम् न कला स्तोत्रम् कीलकम् न रहस्यकम् न सुन्दरम् न विधानम् च नन्यसुनिजभाजनम् कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलम् लभेत् अधिकैरतरम् देवे देवानामभिधर्म गोपनीयम् प्रयत्नेन स्वयमेव पार्वते मारुणमोहनवशम् सम्मनाटनादिकम् पाठमात्रेण संसिद्ध कुञ्जिका स्तोत्रमत्तम ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ॐ ग्लौं ह्रौं क्लीं जौं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्छे ज्वलहं झर्लं झं वत्सः नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्धने नमः जगमहारिण्ये नमस्ते महिषासने नमस्ते शुम्भान्द्रेजाजुम्भासुरघासने जागृतो हि महादेवे नमसिद्धिम् कुरुष्वमे अयङ्कारे सृष्टिरूपाय ऋङ्कारे प्रतिपालिक लेङ्कारे कामरूपिण्ये वेदरूपे नमस्ते चामुण्डाचण्डघाते च यङ्कारे वरधायणे विच्चकामयदानित्यम् नमस्ते मन्त्ररूपिणे ढां ढें ढां धर्यते पद्मे वां ह्रीं गौं भगदीश्वरे क्रां ह्रीं गौं कालिका देवे शां ह्रीं सौं मे शुभङ्कर हुं हुं हङ्काररूपिणे जं 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 वनाशिने भ्रां ह्रीं ह्रौं भैरवे भद्रे भवानेश्वर नमः नमः
Hang gan gan dan dam pan yang gan bing dong eng bing hang cham. Dijagram dijagram. Trotaya Dekan parakaran saham. Pang bing pang parvati pona. Kang jeng gong gajari tasat. Sang jeng gong sapti adi dabya. Mantra dhityam varashamet. Idam dokan jika sotram. Mantra jagarti hetave. Abhakte naiva dadavya. Gomita vrakshya parvati. Yastu kunjikaya devi, hinam shaktaya devare, natasya jayate siddhi, arande rajana yata. Om. Atta dargaya paddha nashtaka. Namaste charanye siveta dukampe. Namaste jagatyatike vishwarupe. Namaste jagavandya padaravinde. Namaste jagatyalini tahidurge. Namaste jagatyatya manandarupe. Namaste Tameka Gatavadam Inistada Kalpre Namaste Jagattari Nidra Hidalage Aranya Ranila Runisha Tramadya Jaleza Kadela Jagehe Prabhate Tameka Yeah, brother.
Oh,
क्षमा प्रार्थना अपराध दस्ताने हरण सही भक्ति जन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते तो लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सही भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। बड़ा ही शुभ समय आप भक्तों को जो आरती का प्राप्त हुआ है, इसमें जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस आरती की परम पवित्र वेला में माँ के इस पवित्र स्थली पर बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का माँ भगवती आदिशक्ति महाकाली
माँ लक्ष्मी वैष्णवी और माता महा सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए। जब माँ भगवती की बड़ी अपार कृपा होती है भक्तों पर, जिन भक्तों के हृदय कमल में परम कल्याणमय बुद्धि के विराजमान होकर के भक्तों का मार्गदर्शन करती है, क्योंकि इस देवी की कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। माँ की कृपा होती है तो भक्त के हृदय में सद्विचार उत्पन्न होते ही, सत्व गुण की वृद्धि होती ही, और ऐसे विचार उसके मन में आते हैं कि मैं कुछ सत्कर्म करूं, अच्छे कर्म करूं, भलाई के रास्ते पर चलूं, भले कर्म करूं, तीर्थाटन करूं, गंगा स्नान करूं, दीन दुखों की सेवा करूं, परोपकार करूं, माँ के दरबार में चलकर के माँ के पिंडी रूप में दर्शन करूं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करूं, माँ की आरती में बैठूं, माँ की कृपा प्राप्त करूं। तो ये तभी संभव होते हैं जब माँ की कृपा होती है, क्योंकि जिन पर कृपा करती है ये माँ उन भक्तों को अपने दरबार में बुलाती है, क्योंकि इसके बिना बुलावे जहां पर कोई आ नहीं सकता और इसकी कृपा के बिना जहां पर कोई बैठ नहीं सकता। जब भगवती कृपा होती है, जब उसकी कृपा होती है, तो मनुष्य जो है उसकी ऐसी माँ के चरण में लगन लगती है, फिर उसको वह त्याग कर नहीं सकता, वह उसके बिना रह नहीं सकता। इस प्रकार से उसकी साधना, उसकी आराधना, उसकी उपासना जो है, उसके दर्शन जो है, उसका जप जो है, जी प्रतिदिन जो है ऐसा निज बन जाते हैं कि बिना वह निजम किए, बिना उसका स्मरण किए वह अंजल ग्रहण कर ही नहीं सकता। इसलिए उसकी कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जो है भक्त जन माँ के दरबार में आकर के भगवती की उपासना करते हैं, माँ की आराधना करते हैं। मैं संदर्भ में आपको दृष्टांत दे रहा हूं कि जैसे ही जब कई बार, क्योंकि बिना कृपा का कुछ संभव नहीं, साधु को कहीं कहीं सत्संग में बैठने का सौभाग्य प्राप्त होता है, किसी संत के पास जाकर के जो है वहां सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है, जहां फिर वहां जाकर के सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, तो उसका जीवन कैसे बदलता है, जीवन कैसे परिवर्तन आते हैं। बहुत सारे ऐसे आलसी लोग भी होते, कुछ करते नहीं, परंतु जब उसकी कृपा होती है वो कैसे करवाता है, कैसी साधक का मंगल करता है, कल्याण करता है, ये तो वो ही जाने। कहती कि एक बार एक परिवार में चार भाई थे, एक पिता के चार बेटे जो हैं, सबसे छोटा बेटा जो है कुछ भी नहीं करता था, लेकिन आप जानते हैं छोटा पुत्र जो है बड़ा प्रिय होता है सबको, वह कुछ करता धरता नहीं, सिर्फ खाता और फिर लेट जाता, करना कुछ नहीं। जब तो पिता थे, माता पिता थे, तब तो चलता रहा, कोई कुछ कहता नहीं था। माता पिता नहीं रहे और भाइयों पे बात आई, कहने लगा भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, खाता भी कितना कम नहीं, कहते ढाई सेर, ढाई सिर प्रतिदिन जो उसका खाना था उसका नाम ही ढैया पड़ गया। ढैया बोलते अब करता धरता कुछ नहीं, लेटर रहता। अब भाई कहने लगे भाई ऐसे काम चलेगा नहीं, इतना खाता भी करता कुछ नहीं है, तो इसलिए तुझे कुछ करना पड़ेगा, ऐसे होगा मेरे से कुछ नहीं। और भूख इतनी होती थी उसको कि ढाई सिर खाता, जब तक इतना खाने लेता तब उसको अंदर जो शांति मिलती नहीं, पड़ा रहता। तो भाइयों ने इकट्ठे होकर के उसे कहा कि ऐसे काम चलेगा नहीं, अब इसको जो है घर से निकाल दो। कहते हैं निकम्मा था, कुछ करता नहीं था, खाता था, तो घर से निकाल दिया। अब चरा चला ढैया, चलता चलता जो है एक आश्रम में जा पहुंचा, वहां देखा भंडारा लगा था, भोजन मिला था फ्री में, पंक्ति में बैठा, भोजन प्राप्त किया, सत्संग हो रहा था, क्योंकि जो जहां सत्संग होते हैं, जप होता है, पाठ होता है, भगवान का ध्यान होता है, कीर्तन होता है, वो सात्विक भूमि होती है। बात जाने से बुद्धि जो है सात्विक होती है और मनुष्य के पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, जीवन बदल जाता है। वहां कर्ण ग्रहण किया तो थोड़ी सी शुद्धि हुई बुद्धि की, विचार आया
क्यों ना संत महाराज के कितने चेले हैं, कितने शिष्य हैं, सब आते हैं। जब सत्संग कीर्तन होते हैं तो क्यों ना मैं भी इसका चेला बन जाऊं। बात अच्छी आई मन में कि चेला बन जाऊं, ऐसा विचार आया तो संत महाराज जी के पास चला गया और जाकर के उनको प्रणाम किया। महाराज मेरे मन में जो इच्छा हुई है कि आपके इतने सारे चेले हैं, एक चेला मुझे ही बना लीजिए। महाराज ने कहा कोई बात नहीं, तुम भी चेला बन जाओ, परंतु करोगे क्या? कहते करना जो है कर कुछ नहीं सकता मैं, भोजन चाहिए मुझे, करने की बात है काम तो मैं कर नहीं पाऊंगा कुछ भी। तो उसने कहा कि ऐसा है, करोगे कुछ नहीं तो भोजन पाना भी ठीक बात नहीं, इसलिए भोजन मिलेगा परंतु ये गौशाला है हमारे यहाँ पर, आप थोड़ा उनका ध्यान कर दिया करो, करो वहां सेवा, उनका सेवा भी नहीं होगी। तो कहने लगा ठीक है, आप कह रहे हैं ध्यान, वहां जाकर के थोड़ा उनका ध्यान कर दूंगा, जहां आ जाऊंगा। भोजन कितनी बार मिलेगा? कहने लगा दो बार। दो बार भोजन बनता है तो दो बार जो है, तो कहने लगा भर पेट मिलेगा, बिल्कुल जितना खा पाओगे इतना मिलेगा। कहा देखो दो समय से मेरा काम चलेगा नहीं, तीन टाइम। तो उसने कहा ठीक है तीन टाइम खा लेना, ठीक है, और गौ माता का ध्यान करना। देखिए गौशाला में जाना, गौ माता के दर्शन करना, जो कोई सामान्य बात नहीं। भगवान कैसे कृपा करें उस पर कि जब व्यक्ति चलता है घर से, पहले से पता होता नहीं कुछ भी, चलता है तो साधन मिलते जाते हैं, संग मिलता है, अच्छे लोगों का संग मिल जाता है, मार्गदर्शन होता है। अब गौशाला में चले गए, गौ माता के दर्शन हो गए, वहां बैठे उनका ध्यान करने लगा। भोजन का समय हुआ वहां चले, सत्संग का समय हुआ सत्संग में बैठ गए, आरती का समय हुआ आरती में चले आए। अब थोड़ा चलने तो लगा, सुनने लगा, कीर्तन भगवान के नाम का स्मरण होने लगा। अब 10 दिन बीते, 11वां दिन आया तो एकादशी। आश्रम में एकादशी के दिन जो है चूल्हा नहीं जलता था, चूल्हा नहीं जलता था। अब उसने जब कहा भाई आज जो भंडारा बनाता था कि आज आपने कुछ किया नहीं, कुछ बनाया नहीं, कहना आज तो एकादशी का व्रत है, सबका व्रत होता है, इसलिए आज चूल्हा नहीं चलेगा, आज सबको भगवान के नाम का जप करना और खाली पेट, कुछ नहीं मिलेगा। मैं तो परेशान हो गया, जो कैसे होगा। संत महाराज के पास गया, महाराज आज तो कहते हैं कि एकादशी का व्रत है, तो मैं व्रत कैसे करूंगा, मैं भूख बिना भूखा मैं रह नहीं सकता, इतनी भूख लगी है, तिल मिला रहा हूं, खाने के लिए कुछ नहीं, महाराज मुझे तो चाहिए कुछ। महाराज ने कहा देखो जहां आश्रम में कोई भोजन बनता नहीं, एकादशी होती है, तू ही प्रजन कर, एकादशी का व्रत कर। उस हिसाब कह दिया मैं नहीं कर सकता, मेरे में समर्थ नहीं है, मुझे भोजन चाहिए। तब महाराज ने कहा ठीक है हम ऐसा करते हैं, आपको राशन दे देते हैं, राशन ले जाओ, परंतु आश्रम में जो भोजन नहीं बनेगा, आश्रम से बाहर नदी तट के किनारे वहां चले जाओ, वहीं जल लो, वहीं अपना चूल्हा जलाओ और वहां जाकर के अपना भोजन बना लो। और फिर क्या करना है कि जब भोजन तेरी रसोई तैयार हो जाएगी तो भगवान को भोग लगाना, बिना भगवान को भोग लगाए मत खाना। कहने लगा ठीक है महाराज दो। तब जो है रसोइयों को बुलाया, पूछा कितना खाता है ये, उसने कहा 2.5 शेर। 2.5 शेर? हाँ हाँ बिल्कुल, तो 2.5 शेर इसको दे दो सामग्री, उसके अनुसार जो है जो नमक चाहिए, हल्दी चाहिए, तेल चाहिए, घी चाहिए, बस सब सामान इसको दे दो। दे दिया, नदी के किनारे चला गया, वहां जाकर के जैसे कैसे हुआ, अब कहीं बनाया तो था नहीं लेकिन भूख लगी है, सब कुछ होता है, जैसे कैसे टिक्कर बना बाहर बना लिया। बनाने के उपरांत जो है फिर जो है ध्यान आया, गुरु ने तो कहा था भोग लगाना, बिना भोग लगाए खाना मत। तब जो है उसने कहा ठीक है, अब जो है आश्रम में तो बढ़िया बढ़िया भोग बनता है, और जहां पर दुख ऐसा उसने बनाया बेचारे ने, और भगवान को बताया कि भगवान मेरे भगवान
राम आओ, भगवान आओ और जी जो मैंने रूखा सूखा जैसे बनाया है इसका भोग लगाओ। अब जो है एक बार बोला नहीं आए, फिर दूसरे कहा प्रभु आओ, वहां पर तो बहुत बढ़िया भोग मिलता है परंतु यहां पर जैसा है ऐसे ग्रहण करना पड़ेगा। तो कहते हैं कि तीन बार पुकारा, तीसरी बार जो भगवान जो है कहते हैं कि भगवान श्री राम और सीता जो है दोनों वहां पधारे, देखा दोनों के दर्शन हुए, भगवान को बुलाया, भगवान तो एक हैं, जो दूसरी कहां चली आई। तो उन्होंने पूछा भाई जिस संग में कौन लाए हो, तो उसने कहा जी तो मेरी अर्धांगिनी है, पत्नी है सीता। अच्छा ठीक है, आओ आए हैं, आपका स्वागत है, बैठो भोग लगाओ। भोग लगाने लगे, देखिए ढाई से उसके लिए अपने के लिए था, भोग लगाने के लिए बैठ गए दो, चलो थोड़ा बहुत जो बचा उसने पाया। कहने लगा महाराज आप आए, आपके साथ बात करने का बड़ा आनंद आया, बहुत आनंद आया, भूखा मैं रहा, खाने के लिए कम मिला, परंतु जो है आप आए, आपके दर्शन करके और आप जहां पर आए बैठे आपसे बात करने का बड़ी उनका आत्म सुख आत्म शांति मिली मुझे। तब जो है एकादशी हो गई, अब भगवान प्रसाद पाए, वहां से चले गए, फिर आश्रम पहुंचे, आकर कोई बात बतलाई नहीं घटना क्या घटी वहां पर। परंतु जब फिर एकादशी आई दूसरी, तो तब जो है फिर कहने लगा महाराज, फिर एकादशी आगे महाराज के पास पहुंचे तो उन्होंने बुलाया कि इसको आदर्शन दे दो, महाराज ढाई सिर से काम नहीं चलेगा, ज्यादा दो, एक सिर ज्यादा दे दो। अब जो है भगवान से पूछा भी नहीं था कि अब दो ही आओगे दूसरी बार या कहीं ज्यादा ना हो जाओ। तब जो उन्होंने कहा एकादशी आए, गे भोजन तैयार हुआ, तब भगवान को पुकारा, पुकारा तो संग लक्ष्मण भी आ गए, सीता माता लक्ष्मण आए, तो उन्होंने कहा भाई दो तो थे, तीसरा कहां से आया, बार बार उसकी ओर देखे, अब फिर भूखा रहना पड़ेगा। तब जब फिर भोजन जो उन्होंने पाया प्रसाद, भोग लगा और जो है जो बच्चा उसने ग्रहण किया प्रसाद, तो पहले भगवान को भोग लगाए फिर प्रसाद पाए, बड़ा आनंद मिलता, संतुष्टि मिलती है। तब उन्होंने कहा कि देखो आप आए कितना अच्छा लगा, तीन होकर के आगे परंतु फिर भी आनंद बहुत आया मुझे, परंतु मुझे आप बतला दीजिए कि तीसरी एकादशी में अब तीसरी बार जब बुलाऊंगा तो कितने आओगे पहले बता दो। और उन्होंने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, जब आएगी एकादशी देख लेंगे। तो कहने लगे नहीं नहीं पहले बता दो, तब भगवान ने उसे बताया नहीं, बहुत हट किया, सीधा साधा भक्त था। अब जो है फिर तीसरी एकादशी आई, फिर उन्होंने कहा महाराज एकादशी आ गई मेरे लिए राशन, तो महाराज जी ने कहा ठीक है जितना पिछली बार दिया उतना और इस बार भी दे दो। तो उसने कहा इतने से काम नहीं चलेगा महाराज, ज्यादा दीजिए, इतने से काम नहीं होगा। तब जो है रसोइये भी उससे कहने लगा महाराज ये राशन लेके जाता है इतना राशन तो खा नहीं सकता जी अकेला, इसके साथ और कौन है जी, क्या करता कहीं बेच तो नहीं देता, आश्रम का राशन लेकर कहीं भेजता होगा, कुछ ना कुछ तो करता है, ये इतना तो खा नहीं सकता। गुरु महाराज ने कहा कि आप जो है जितना जो कहता उतना इसको दे दो, बाकी हम पर छोड़ दीजिए, हम देखेंगे जो क्या करता क्या है। अब जो है वो तो राशन लेके चला गया राशन की गठड़ी, और जो है इधर गुरु महाराज जो है उसका पीछा करने लगे जो करता क्या है। वहां गया गंगा किनारे जाकर के जो है अब जो है राशन की थैली जो है एको रख दी और खुद पेट के नीचे लेट गया। भगवान को याद किया आइए भोग लगाइए, अब भगवान एक नहीं, अब तो कहते हैं कि भगवान श्री राम माता सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान भी सबके सब आगे। जब आए तो भगवान ने देखा वहां बना कुछ नहीं है, राशन पड़ा हुआ था। तब वह देखता भक्त महाराज जी क्या आपने बुलाया, भोजन तैयार किया नहीं, उसने कहा कि इतने लोगों को मैंने ठेका थोड़ी ले रखा है, जब आप अकेले आते हो ठीक था, अब मुझे पता आपने मैंने पूछा था आपको कितने आओगे और ये सब ले आए हो और जहां तक ये बानर भी जो कहां से ले आए, तो जी नहीं चलेगा इसलिए
राशन पड़ा है, बनाओ। अब करें क्या? भक्त की लाज रखनी है। मैं कई बार बतला दू, भक्त की भक्ति में बड़ी शक्ति होती है, अद्भुत शक्ति होती है। भगवान से जो चाहे करवा सकता है, अद्भुत शक्ति। बड़ा सीधा सा, जैसे धन्ना जट था, सीधा, कुछ पढ़ा लिखा नहीं था, कुछ जानता नहीं था, परंतु भगवान उसके पास आए और जैसा अक्षय दर्शन हुआ और जो कहते थे सब करते थे। क्योंकि सारा जगत जो है जी भगवान के अधीन है और भगवान भक्त के अधीन है। भक्त की भक्ति में इतनी शक्ति है, वह सब कुछ करवा सकता है। तब जो है और ने कहा कि अब देखते कि अब आए हैं, खाना तो है ही है, तो इसलिए सब मेहनत करो। अब कोई लकड़ी लेने चला गया, कोई चूल्हा सीधा करने लगा, अब माता सीता जी कोई आटा गूंदने लगा, अब सब मिलकर के वहां भोजन तैयार होने लगा। बड़ा आनंद आया भगवान के साथ बातें कर रहे हैं भक्त महाराज जी, अद्भुत। उधर गुरु महाराज जी अपना जो देख रहे थे, जित जहां लेटा पड़ा राशन उधर पड़ा हुआ, जो कर कुछ नहीं रहा है। भक्त को इतना आनंद रहा है कि भगवान साक्षात परिवार सहित वहां पर बैठे हुए हैं, आनंद ले रहा है भक्त जो है, परंतु गुरु महाराज जी को किसी के दर्शन नहीं है, ना भगवान के, ना भगवान के परिवार के, किसी के दर्शन नहीं हो पा रहे। पर देखते करनी ना लेटा हुआ इधर, तो ऐसे ही अपनी बातें कर रहे जा रहा है, किसके साथ बातें कर रहा है जी। तो उसने कहा कि आप जहां आकर के राशन लेकर बैठे हो, आप तो कह रहे थे किस प्रकार मैं वहां पर भोजन बनाऊंगा, खाऊंगा, क्या करेंगे, अपने आप बनाएंगे, खाएंगे, बना रहे हैं ना, देखो। तो कहते कहां, सभी आए हैं, भगवान श्री राम आए हैं, माँ सीता आई है, लक्ष्मण आए हैं, भरत आए, शत्रुघ्न आए, और फिर तो देखो हनुमान भी आए हैं। तो कहते मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, आप जी क्या करे हो, कहीं पागल तो नहीं हो गए, बावरे हो गए। तब जो है कहते उस भक्त ने भगवान से कहा, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए, मेरे सामने बैठे हो, मेरे वो गुरु को क्यों नहीं दिखलाई दे रहे, उनको दिखाई दीजिए ना। तो भगवान ने कहा कि नहीं, तू बहुत सरल है, इसलिए तेरी सरलता को देख करके मैं यहां पर आ गया हूं सपरिवार, और तेरे गुरु जो हैं अभी सरल नहीं हुए। कहते हैं कि गुरु महाराज की आंखों में आंसू आ गए, वहां पर जो है चरण जो है मस्त झुकाया, नतमस्त हुए, दंडवत प्रणाम किया, मुझे क्षमा कीजिए। तब भक्त कहते हैं कि महाराज जो मेरे गुरु जी हैं, मैं इनकी शरण में आया था, मुझे खाने के लिए रोटी मिलती थी, एकादशी आई तो भी इन्होंने मुझे इनकार नहीं किया कि कोई बात नहीं, तुझे भूख लगी है तो ले जा, आश्रम में खाना नहीं बनता, गंगा तट के किनारे जाके बना के खा लेना। परंतु इन्होंने मुझसे कहा था कि जब भोजन तैयार होगा बिना भोग लगाए मत खाना, तो कृपा तो इन गुरु की हुई ना, जो आप जहां पर आए मारे दर्शन मेरे यही है, इसलिए मेरे गुरु जी को दर्शन दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। कहते हो समय से परिवार जो है भगवान के दर्शन फिर गुरु महाराज जी के हुए, और गुरु जी शिष्य कहते हैं बेटा आप कुछ दिन हुए आपको आए हुए और मरे, इतना समय हो गया जहां पर रहते, इतने शिष्य मेरे, परंतु आप ऐसे शिष्य आए कि मुझे भी भगवान के दर्शन करा दी। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए मैं आपको बतला रहा था कि भगवान की कृपा और भगवती कृपा के बिना कुछ भी संभव नहीं होता। कब कैसे मनुष्य का जीवन बदल जाए पता नहीं चलता, और भक्ति में तो अद्भुत शक्ति होती है। सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से जब साधक जो है माँ की साधना करते हैं, तो यकीन मानिए देव कृपा होती है। अब जो ही मन में संकल्प करोगे वह संकल्प आपका पूरा होगा, और मन में जो जो सोचेंगे, आप जो भी कार्य के लिए सोचते हैं, आपके कार्य को पता नहीं चलेगा, आप चल रहे हैं कार्य कर रहे हैं, कैसे सिद्ध हो रहा है पता नहीं चलेगा। इसलिए सच्चे हृदय से विशुद्ध मन से जो भगवती के शरण धोकर के माँ की साधना करते हैं, माँ की उपासना करते हैं, तो उनका जो जीवन जो है पवित्र होते ही, उनके पापों का नाश होते ही, इस जीवन में जो है इस लोक में उनके समस्त कार्य सिद्ध हो जाते हैं, इस लोक में सब सुख भोग करते हुए उनका परलोक भी कल्याण में हो जाते हैं। इसलिए कल्याण के मनुष्य को चाहिए, जो भी अपना जीवन में अपना कल्याण चाहते हैं, अपना बुद्धि चाहते हैं, अपनी उन्नति चाहते हैं, परिवार में खुशहाली चाहते हैं, परिवार में मैत्री संवर्धन चाहते हैं, उन्हें प्रयत्न पूर्वक जो है सच्चे हृदय से
माँ की आराधना माँ की उपासना करनी चाहिए, बिल्कुल सरल मन से। कभी जीवन अहंकार मत करना, कभी अभिमान मत करना। परिवार में कोई काम नहीं करता है उसको मत कोसना, जो काम नहीं करता है तो बिना काम के ये खाता है। पता नहीं आपके परिवार में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके भाग्य से आपको भी मिल रहा है। परिवार में कोई ना कोई ऐसा होता है, केवल होता है कि परिवार में जो है रिद्धि सिद्धि होती है, किसी चीज की कमी नहीं होती। जब एक भाई अलग हो जाता, चला जाता है, उसको निकाल दिया जाता है तो परिवार में कष्ट आ जाते हैं, विपत्तियां आ जाती हैं। कारण कहीं ना कहीं पुण्य आत्मा आपके घर के अंदर बैठा हुआ है। आपका जीवन ठीक से चल रहा है, आपका घर गृहस्थ ठीक से चल रहा है, आपका परिवार ठीक चल रहा है, सब प्रकार का आनंद ही आनंद है। जब जब व्यक्ति जब उस घर से बाहर निकलते हैं तो वही घर जो है इसका वहां क्लेश होना शुरू हो जाते हैं। जब रिद्धि सिद्धि थी वहां पर खाने के भी लाले पड़ जाते हैं उसी घर में। इसलिए मेरा कहने का अभिप्राय था, मैं कहना कुछ और ही चाहता था, परंतु ये माँ का दरबार, जिस माँ ने आपको जहां बुलाया, चरण में बिठाया, ये माँ भगवती आपका कल्याण करना चाहती है, आपका मंगल करना चाहती है, आपका जो है आपको उन्नति देना चाहती है। जी तभी बुलाती है जब ये कष्टों को दूर करना चाहती है। तो जो माँ के दरबार में आकर के भगवती के शरणंग धोकर के सच्चे हृदय से निस्वार्थ होकर के माँ से प्रार्थना करते हैं तो भगवती की अवश्य उन पर कृपा होती है। इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, बड़ा ही अच्छा समय है। और ये गुप्त नवरात्र जो तो दो नवरात्र प्राय करते हैं, परंतु इस समय ये गुप्त नवरात्र है माघ शुक्ल पक्ष के आज तृतीय है। तृतीय नवरात्र के अवसर पर जो है चंद्र घंटा का, आज के दिन चंद्र घंटा के स्वरूप का भक्तजन ध्यान करते हैं, भगवती की उपासना करते हैं। चंद्र घंटा जिनके मस्त पर जो है चंद्र घंटा घंटे के आकार का जो है चंद्रमा चंद्र बना हुआ है, ऐसी वह भगवती जो है जिसकी दस भुजा है और सिंह के ऊपर विराजमान है, वह भगवती का स्वरूप जो आज के दिन साधक जन जो है मणिपुर चक्र में माँ भगवती चंद्र घंटा का ध्यान करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं और इस भगवती की जो उपासना करते हैं, वह माँ के सिंह की तरह जो है वह अपने कार्य में अग्रसर होते रहे और सर्वत्र जो है विजय को प्राप्त होते हैं। माँ भगवती का उपासक जो है वह उपासक जो है माँ के कृपा सब प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करता है, उसके सब कार्य सिद्ध होते हैं। ऐसा साधक जिसके दर्शन करने से भी भक्तों को शांति मिलती है। तो आज इन गुप्त रात्रों के अवसर पर आप भक्तों को माँ के दरबार में जो है भगवती की आराधना करने का, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुए ही। नवरात्रों के अवसर पर जितने हमारे सब अवसर पर आप सब भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बधाई और माँ वैष्णो देवी की ओर से आप सब भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद। माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें, आपके कार्य सिद्ध करें, आपके जो भी कष्ट हैं जो दुख हैं माँ भक्तों कष्टों को दुख को दूर कर करके सर्वत्र आपका मंगल ही मंगल करें। और भजन की बेला निवेदन कर रहा हूँ, श्री मनिंद्र से माँ के चरण भजन प्रस्तुत करेंगे। आप सभी भक्तों से कीर्तन से योग देना सा मिलकर बोलना ताली बजाते हुए श्री मनिंद्र। जय करा शिरवली दीदा सच्चे दरबार की जय। आए मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी। आए मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी। आए मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी। आए मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी। रल के खुशी मनाइए जी, नचिए टपिए गाइए जी। रल के खुशी मनाइए जी, नचिए टपिए गाइए जी। रल के खुशी मनाइए जी, रल के खुशी मनाइए जी। रल के खुशी मनाइए जी, रल के खुशी मनाइए जी। आगे मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी। आगे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी। हो आगे मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी। हो आगे मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी। हाजिर दीजिए हाथ समय पर मां भगवती।
आप भक्तों के हृदय से विचार करें, आपके झोले भरे, आपके मुरादें पूरी करें, आपका जीवन खुशियों से भर जाए। सच्ची जोत जगानी है, सच्ची जोत जगानी है, ओ शेरा वाली माती भक्तों सच्ची जोत जगानी है, सच्ची जोत जगानी है, सच्ची जोत जगानी है। हाँ लाल रंग दी थोड़ी चुन्नी गल बिच पानी है, 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 ओ चूड़ियां थोनियां रंग बरंगियां मां दे हत्थी पाइए जी, चूड़ियां थोनियां रंग बरंगियां मां दे हत्थी पाइए जी, आए मां दे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, आए मां दे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, ओ रल के खुशी मनाइए जी, नचिए टपिए गाइए जी, ओ रल के खुशी मनाइए जी, नचिए टपिए गाइए जी, आगे मारे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, ओ आगे मारे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, ओ आगे मारे गुप्त नराते दर्शन कर देने, रज रज दर्शन कर देने, माँ सूरज चंदा महारानी दा रज रज दर्शन कर देने, रज रज दर्शन कर देने, रज रज दर्शन कर देने, एक दूजे नु देख बधाइया माँ दा शुक्र मनाइए जी, एक दूजे नु देख बधाइया शुक्र मनाइए, ओ आगे मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, ओ आगे मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, माया के मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, ओ आगे मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, मां टोलक बजदे छेने बजदे बजदे नाल शहनाइयां ने, बजदे रहियां शहनाइयां रे, बज रहियां शहनाइयां रे, मां टोलक बजदे छेने बजदे बज रहियां शहनाइयां ने, बज रहियां शहनाइयां रे, बज रहियां शहनाइयां रे, ओ मां दे बच्चियां मां दे बेड़े अज ते रौनक लाइयां ने, अज ते रौनक लाइयां ने, बच्चियां मां दे बेड़े अज ते रौनक लाइयां ने, अज ते रौनक लाइयां ने, अज ते रौनक लाइयां ने, माया ओ मैया जी दे नाम ते जयकारे लाइए जी, आओ मैया जी दे नाम ते जयकारे लाइए जी, ओ आगे मां दे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, ओ आगे मां दे रल के खुशी मनाइए, रल के खुशी मनाइए जी, नचिए टपिए गाइए जी, रल के खुशी मनाइए जी, नचिए टपिए गाइए जी, रल के खुशी मनाइए जी, नचिए टपिए गाइए जी, रल के खुशी मनाइए जी, नचिए टपिए गाइए जी, ओ आगे मादे गुप्त नराते रल के खुशी मनाइए जी, ओ
छेती छेती तरदाए छेती छेती तरदाए छेती छेती तरदाए आयो सदा बेड़ा पव सागर चो छेती छेती तरदाए छेती छेती तरदाए छेती छेती तरदाए ओ सारे मादे दरते आके मादियां पेटा गाइए जी सारे मादे दरते आके मादियां पेटा गाइए आए मादे गुप्तन राते रल के खुशी मनाइए जी आगे मादे गुप्तन राते रल के खुशी मनाइए जी ओ आगे मादे गुप्तन राते रल के खुशी मनाइए जी आगे मादे गुप्तन राते रल के खुशी मनाइए रल के खुशी मनाइए रल के खुशी मनाइए जी बचिए टपिए गाइए रल के खुशी मनाइए बचिए टपिए गाइए ओ आगे मादे गुप्तन राते रल के खुशी मनाइए जी ओ आगे मादे गुप्तन राते रल के खुशी मनाइए जय आगे मादे गुप्तन राते रल के खुशी मनाइए रल के खुशी मनाइए जी रल के खुशी मनाइए जी रल के खुशी मनाइए जी रल के खुशी मनाइए ओ नचिए टपिए गाइए जी नचिए टपिए गाइए हाँ नचिए टपिए गाइए जी नचिए टपिए गाइए रहो रल के खुशी मनाइए जी रल के खुशी मनाइए बोल सच्चे दरबार की जय जय करा मेरे शिरोमणि मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं दीप जगा दे प्यार वाला दीप जगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं तेरे प्यार वाला दीप जगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं हो मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे दिल करता है दिल में बसा लूं तुम्हें दिल करता है दिल में बसा लूं तुम्हें अपनी आंखों में मैया छुपा 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 लूं अंधेरा मिटा दे मन का अंधेरा हटा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मेरे मन का अंधेरा मिटा दे मैं
बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं दिल में प्यार वाला दीप जगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं दिल में प्यार वाला दीप जला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं जैसे जल बिना मछली पल ना जिए 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 ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए ऐसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे तेरे लिए मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मजा प्रेम वाला ऐसा चखा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं तेरे चरणों की धूल में मैं मिल जाऊं तेरे चरणों की आशा यही है कहीं दूर न जाऊं अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं अब आशा यही है कहीं दूर न जाऊं ऐसा भक्ति का रंग चढ़ा दे भक्ति का रंग तूने अपना बनाया मैंने कुछ ना कहा 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 होला के दर पे बिठाया मैंने कुछ ना कहा होला के दर पे बिठाया मैंने कुछ ना कहा दर पे बिठाया मैंने कुछ ना कहा अल्लाह के दर पे बिठाया मैंने कुछ ना कहा अब ऐसी झलक दिखला दे अब ऐसी झलक दिखला दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं अब ऐसी झलक दिखला दे मैं तेरे बिना पल ना लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मुझे ऐसी लगन तू लगा दे मैं तेरे बिना पल ना रहूं मैं तेरे बिना पल ना रहूं तेरे बिना पल ना रहूं मैं तेरे बिना पल ना रहूं मैं तेरे बिना पल ना रहूं मैं तेरे बिना मैं तेरे बिना
बोल सच्चे दरबार की जय। कर शेरवाले बोल सच्चे दरबार की जय। भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, लाखों कष्ट उठाए, जब से याद भुलाई तेरी लाखों कष्ट उठाए हैं, लाखों कष्ट उठाए हैं। क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, कितने पाप कमाए, क्या जानूं इस जीवन अंदर कितने पाप कमाए हैं, कितने पाप कमाए। अब हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, भवानी हूँ शर्मिंदा आपसे क्या बतलाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। तू है अम्बे वरों पिता, तुझसे सब बल पाते हैं, तुझसे सब बल पाते हैं, तू है अम्बे वरों की दादी, तुझसे सब बल पाते हैं, तुझसे सब बल पाते हैं। तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं, ऋषि मुनि और योगी सारे तेरे ही गुण गाते हैं, तेरे ही गुण गाते हैं। अब चिंता दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, भवानी चिंता दे दो ज्ञान का होश में आऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, तेरे पाप कर्म ही तुझे इतन करने देते हैं, इतन करने मेरे पाप कर्म ही तुझसे प्रीति न करने देते हैं, प्रीति न करने देते हैं। कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोग मुझे ये लेते हैं, रोग मुझे ये लेते हैं, कभी जो चाहूं मिलूं आपसे, रोग मुझे ये लेते हैं, रोग मुझे ये लेते हैं। फिर कैसे हम आपके भवानी, कैसे अम्बे आपके दर्शन पाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं, भवानी तेरे दर को छोड़ कर किस दर जाऊं मैं। बागी उम्र संभालू मैं, बागी उम्र संभालू मैं, जो बीती लेकिन बागी उम्र संभालू मैं, बागी उम्र संभालू मैं। प्रेम पाश में बना मान, भेंट प्रेम दी गालू मैं, भेंट प्रेम
लाश पे बंधा भवानी भेंट प्रेम की गालों में भेंट प्रेम की गालों में अब सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं भवानी सुनता मेरी कौन है किसे सुनाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़कर जिस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं छोड़कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं भवानी तेरे दर को छोड़कर किस दर जाऊं मैं जय करा श्री राम बोल सच्चे दरबार की जय नागेश्वर विष्टराम भण भण तुम सर रत्न भले बस देहल तम दिह करने नेत्र माला कुंभ कपाल नीरज कर चंद्रार्ध चौड़ा पर सर्वज्ञेश्वर भैरवा कनलया पद्मावत चंत सचिया ज्योत वाली माता तेरी सदा ही जय माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्तजनों के संकल्प की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आप बड़े भाग्यशाली ही पुण्यात्मा हैं जब भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में और विशेषतः इन गुप्त नवरात्र की तृतीय नवरात्र के अवसर पर माँ के चरण में बैठ करके इस आरती की पवित्र वेला में माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का इस जगजन्य जगत माता का आशीर्वाद प्राप्त करने का आप भक्तों का सौभाग्य प्राप्त हुआ है माँ भगवती की इसी तरह से भक्तों की कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे इस पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद आयुष्मान भवे संतते भाने भवे श्रीमान जसस्वे भवे प्रज्ञा भाने भवे भूर भूत करणे दाने कनिष्ठो भवे तेजस्वी भवे भैरी गर्भदलने व्यापार दक्ष भवे श्री शंबर पाद पुण्यरत है सर्वोपकारी भवे मंत्रार्थ सफला संतो पूर्ण संत मनोर्थ है शत्रुना बुद्धि नाशोस्तो मित्र नाम देस्व शरीर वर्चस आयुष आरोग्यमा विदात शुभमान महियति धनम धान्यम पशुं बहुपुत्र लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से समृद्ध करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक करे बोले सच्चे दरबार की जय तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्त जन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सब मिलकर बोलना ताली बजाते हैं ओम जय ओम जय Oh,
Thank you.
मन यौवन का सार नहीं है। धन कुछ पास नहीं है, विद्या धन कुछ पास नहीं है। पूज्य पुजारी जी, माँ भगवती की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गई हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ भगवती की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सब भक्तजनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और माँ भगवती से अपने कल्याण के लिए, परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। जय माता दी, 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 जय माता दी। भक्ति भाव से दोनों हाथ जोड़कर कमान से प्रार्थना करेंगे। ओ देहि सौभाग्य आरोग्य, देहि सौभाग्य आरोग्य, देहि मे परमं सुखं, देहि मे परमं सुखं, देहि जयं देहि, रूपं देहि जयं देहि, दशो देहि दशो देहि, यशो देहि दशो देहि। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे, ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सर्वे संतो निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु आगच्छन् दुःखभाग् भवे शान्तिः 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 सुने और मन ही मन माँ भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, माँ भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। जो चरणा का ज्ञान दे मां
सबने आरती का आनंद लिया थोड़ा ज्यादा
बहुत ज्यादा वाली जय माता दी हुई नहीं आप। आपकी आवाज माता रानी जी के चरणों में ऐसी आवाज निकालना जो आज आप माता रानी जी से मांगोगे और वो आवाज पूरे देश में और आपके घर तक आपके संबंधियों तक जाएगी। कल आप हम ऐसी आवाज निकालेंगे जब कल आप घर में होंगे तो वैसी आवाज माता रानी जी के आशीर्वाद वाली आपका जोश पूरे देश में माता रानी जी के आशीर्वाद से पूरे देश में जोश आता है। सभी मिलके और सभी को जो आपने आनंद लिया भगवती माता रानी जी आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें और आप सबको अपने दरबार में माता रानी जी बहुत जल्दी जल्दी और बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। बोलो सच्चे दरबार की जय। शुरू करना पड़ता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद जय माता दी।